दिल्ली एनसीआर में लगातार गिरते पारे की वजह से ठंड काफी बढ़ गई है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही ठंडी हवा ने ठिठुरन बढ़ा दी है। उसने बस यही आग का सहारा है, और तो क्या है, कपड़े पहन लो, लेकिन जब टेम्परेचर कम होता है तो फिर कोई भी चीज काम नहीं करती है। जब तक सहारा है बैठे रहते हैं, और तापमान गिरता जा रहा है धीरे धीरे से, तो यही सवार रहा है, जो जहाँ जुगाड़ मिल जाए वहाँ अपनाते हैं। आप भी कपड़े पहनते हैं, कपड़े भी पूरे हैं, सब कुछ है, मगर लक्कड़ भी जला रहे हैं, मगर ठंड इतनी पड़ रही है कि 5 डिग्री से नीचे आ रही है, क्या करें, रात में बैठे हुए हैं। एक ओर जहां लोग ठंड से परेशान हैं, वहीं कोहरे के कारण ट्रेनों के परिचालन पर भी जबरदस्त असर पड़ा है। इससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपका नाम? मेरा नाम इकरार हक। इकरार जी, आप कहां से जर्नी करके आ रहे हैं? मैं कोलकाता हावड़ा से दिल्ली आ रहा हूं, अभी पहुंचा ही हूं। ठीक है, ये फॉग जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, कितना डिले ट्रेन चल रही है आपकी, और कोविड प्रोटोकॉल को लेके क्या सुविधाएं रेलवे ने भी की? अभी फिलहाल कोविड की इसके फॉग के वजह से मेरे हिसाब से 2 घंटा लेट हुआ है। 6 बजे पहुंचना चाहिए थे, 8 बजे पहुंचे हैं। जहां तक रहे कोविड से रिलेटेड मैटर, तो उससे कोई प्रोटोकॉल और कोई इंस्ट्रक्शन तो अभी तक नहीं, इंडियन रेलवे ने मेरे को आज तक अभी नहीं मिला, आज के जो सफर जर्नी किया उसके बारे में। मेरा नाम अजय है, अजय सिंह। एक्चुअली मैं कलकत्ता से आ रहा हूँ दिल्ली, एक्चुअली अपने ऑफिशियली कुछ काम से। और सर फॉग ज़्यादा है आपको? एक्चुअली फॉग की बात करें तो जो कानपुर सिटी से जब हम लोग इधर की तरफ बढ़ रहे थे तो फॉगिंग मतलब काफ़ी मतलब उस एरिया में, वहाँ से लेकर दिल्ली तक काफ़ी फॉगिंग है, और ट्रेनें काफ़ी थोड़ी डिले चल रही हैं, मतलब स्लो कंडीशन। सर और लगातार कोरोना का जो इस तरह बढ़ता जा रहा है, चाइना में देख रहे हैं कितना कोरोना बढ़ गया, आप दिल्ली में भी इसको कह रहे हैं कि कुछ गाइडलाइंस लाएंगे, आप कैसे देखते हैं, क्या रेलवे ने भी कुछ गाइडलाइंस दी? देखिए रेलवे ने तो जो गाइडलाइन दी हुई है बिल्कुल सही है, उन्होंने बोला मास्क पहनकर आना चाहिए ट्रेन मतलब स्टेशन पर, और सारे रूल रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए। और मैं लेकिन फिलहाल कलकत्ता से लेकर यहाँ दिल्ली तक आया हूँ, मुझे अभी ऐसा कुछ नज़र नहीं आया कि कोई गाइडलाइन, जैसे कि खास तौर पे कोई मास्क पहनकर घूम रहा हो स्टेशन पर, अभी ऐसा मैंने कुछ देखा नहीं। ठीक है, नॉर्मली जैसा सब लोग अभी आगे कुछ महीनों पहले रह रहे थे बिल्कुल वैसे ही अभी मैंने देखा, ऐसा अभी मैंने कुछ देखा नहीं। स्पेशली अभी हम जो देख रहे हैं अभी न्यूज में ही वगैरह में देख रहे हैं कि प्रोटोकॉल मतलब लागू हो चुका है और गाइडलाइन वगैरह हो गया है, लेकिन अभी रास्ते में मैंने जितना भी देखा अभी किसी को भी कोई ज्यादा कोई खास मैंने मास्क वगैरह पहनते किसी को देखा नहीं। मेरा नाम गगनदीप भाई। गगनदीप जी, आजकल फॉग ज्यादा है, और आप कहाँ से कहाँ तक करिए? हम भुवनेश्वर से आए हैं अभी दिल्ली। अच्छा, कंपटीशन था खेलने के। और फॉग वगैरह ज्यादा था? हाँ जी हाँ जी, 1.5 घंटा ट्रेन डिले हुई थी हमारी, उसकी वजह से। कोरोना लगातार चाइना में बढ़ रहा है, उसको देखते हुए आपको रेलवे की कोई गाइडलाइंस वगैरह मिली स्टेशन पे देखने को कि कोरोना बढ़ रहा है तो कुछ मास्क वगैरह? हाँ हाँ, थोड़ा लग रहा है अभी मास्क मुस्क स्टार्ट हो गया लगाने। हाँ जी हाँ जी, लेना जरूरी है जी, वो तो नहीं तो फिर घर बैठ जाएंगे, क्या फायदा। शाम जी, आप कहाँ से कहाँ तक की जर्नी करने के आए? मैं बनारस से, अभी तो मैं लुधियाना के लिए आया हूँ, लेकिन बनारस से भी दिल्ली आया हूँ, दिल्ली से हम लोग लुधियाना के लिए जाएंगे। कह रहे हैं फॉग लगातार बढ़ता जा रहा है, आप कैसे देखते हैं? फॉग तो बनारस में, बनारस से कंपेरिजन देन यहाँ बहुत ठंडी है, बनारस में इतना नहीं है, और फॉग यहाँ पे ज़्यादा है, और बीच में कुछ मिला लेकिन 1 घंटा हम लोग की ट्रेन डिले थी। और आपने मास्क भी लगाया हुआ है, और चाइना में लॉकडाउन की स्थिति आ गई है, और दिल्ली में भी गाइडलाइंस दे दी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि मास्क लगाना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, आप कैसे देखते हैं? नहीं, मास्क तो सभी के लिए जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस हिसाब से हम लोग चीन, अमेरिका, जापान, जर्मनी ये सब देशों का देख रहे हैं, तो हम लोग को सतर्क रहना बहुत जरूरी है। हम लोग ने सारी डोजे लगवाई हुई है, फिर भी हम लोग को सतर्क रहना बहुत जरूरी है, अपनी सुरक्षा स्वयं करना ही है। दिल्ली एनसीआर की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली एनसीआर। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली NCR पर।